हरे कृष्णा दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। कल एक्सपायरी का दिन है, बहुत इंटरेस्टिंग दिन हो सकता है, मगर पहले बात करेंगे आज की। आज मेरा ऑलमोस्ट 8 लाख का प्रॉफिट हो गया। अभी आपको दिखाऊंगा क्या ट्रेड किया मैंने, क्या लॉजिक था, कुछ सिखाऊंगा आपको। देखिए आज का दिन भी अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करते हो, मेरे फ्री टेलीग्राम पे मैंने आज पूरा दिन बहुत अच्छी गाइडेंस दी, और आप लोगों को मैंने कॉल जो मैंने लिया था, जब लिया था उसी टाइम लगभग बता दिया था कि भाई ये लिया है। तब वो कॉल लगभग 85 का चल रहा था, स्क्रीनशॉट भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, और वहां से वो कॉल का प्राइस चला गया 300 रुपए। मैंने भी अपने जो स्टॉक्स में भी आप लोगों को यही सिखाने की कोशिश करी कि भाई मार्केट से मत मांगो, मार्केट क्या करेगी किसी को नहीं पता। कल भी मैंने कॉल लेने का ट्राई किया था, 15 पॉइंट मिले थे। आज भी कॉल लिया था, 20-25 पॉइंट का ही टारगेट लिया था। इनफैक्ट मैंने 3600 क्वांटिटी ली थी और 20 पॉइंट के अंदर 1800 बेच भी दी थी। उसके बाद हुआ ब्लास्ट। अब ये होगा कि नहीं होगा ये नहीं मालूम होता, वी कैन ओनली ट्राई। हमारा डायरेक्शन सही होना चाहिए। हाँ, अगर आपका एनालिसिस नहीं है, आप तुक्के मार रहे हो, आपने पुट ले लिया देख के जस्ट बिकॉज की मार्केट थोड़ा सा सुबह नीचे आ रहा है। मार्केट जब नीचे आया तो कल के लो को सपोर्ट ले रहा था, मतलब जहां पे कल रुक रहा था वहीं पे आज रुक रहा था। तो नीचे को तो टेस्ट किया पहले मार्केट ने, नीचे का लेवल नहीं तोड़ा, फिर ऊपर गया तो ऊपर का तोड़ दिया। वहां पे आया ब्लास्ट और लगभग 100-105 पे जो कॉल चल रही थी विद इन 10 सेकेंड्स 150 पार हो गई। देन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, देन 200 चली गई, छोटा सा ब्रेक, देन 250, एंड ये प्रोसेस चलता रहा। इस चक्कर में एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट्स को राइड करना जब आप सही हो, लोग कहते हैं सर हम राइड नहीं कर पाते, ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ, अगर आप तुक्का मार रहे हो तो आप राइड कभी नहीं कर पाओगे। पर अगर आपको मालूम है मार्केट क्या कर सकती है, आपका वेल डिफाइंड ट्रेड है, आपका लॉजिक है। अब ऐसा नहीं होता कि मार्केट का मुझे अगर लगता है कोई कॉल 100 की है और 300 जा सकती है और उसके अंदर कोई गारंटी हो, ऐसा नहीं होता। हमने कल वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हमने कल यही डिस्कस किया था कि आज बैंक निफ्टी डेफिनेटली अगर गैप अप खुल गया और सस्टेन कर गया तो फट सकता है, 300 से 400 पॉइंट की तेजी आ सकती है। बिल्कुल वैसे ही हुआ, मार्केट ने इनफैक्ट उससे भी ज्यादा दिया। यहाँ पे जब आपके प्रिपरेशन सही होती है, आपका लॉजिक सही होता है और आप वेल प्रिपेयर्ड आते हो, आपको मालूम होता है आप क्या कर रहे हो, तो ही आप राइड कर पाओगे। उसमें भी मैं खुद बोल रहा हूँ कि भाई मैंने 3600 क्वांटिटी ली, पहले 1800 बेच दी, फिर 900 बेच दी, बट जब मुझे मालूम पड़ा भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहां पे मैंने पुट्स भी सेल कर दिए ताकि उस मूव का मैं और ज्यादा फायदा उठा पाऊं। तो कुल मिलाकर अगर आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो तो ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। दूसरा लेसन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के स्टार्टिंग में दूंगा, फिर हम कल की बात करेंगे। देखिए मार्केट छूट गई, मार्केट ऊपर चलेगी, अब आप फोमो में आके, कल का दिन एक्सपायरी का है, महंगे महंगे कॉल हो गए हैं, एफसी का माल 200-250 पे मिल रहा है। सोचिए मार्केट में किसी भी कारण से शॉर्टेज हो जाती है किसी आईफोन की, लेट से 1 लाख का फोन आपको 2.5 लाख में मिल रहा है, आप जाके लोगे थोड़ी, आपका छूट गया मूव, कोई बात नहीं, फिर से अपॉर्चुनिटी आएगी। लॉन्ग साइड की नहीं आएगी तो शॉर्ट साइड की आएगी। मार्केट रुकेगी नहीं एक जगह पे, मार्केट चढ़ेगी तो चढ़ के वापस गिरेगी, सीधी लाइन में कभी नहीं चलेगी। तो अपने ट्रेड, अपने सेटअप, अपने अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, कभी भी फोमो में आके मत काम कीजिए। मेरे को जब मार्केट का मूव आ गया, जब मैं सुबह बोल रहा था किसी की हिम्मत नहीं हुई, मेरे स्टूडेंट्स ने ट्रेड लिया, मेरे प्लेटिनम मेंबर्स ने ट्रेड लिया, हमने लिया, मगर वहां पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। आई अंडरस्टैंड, मुझे भी वहां पे डर तो है ही, मैं अपना रिस्क मैनेज करके चल रहा हूँ, जो देगी वो मार्केट की मर्जी। बट जब मार्केट चली गई, अब प्रॉफिट बुक करने के लिए दोपहर को मैसेज आते हैं कि भाई सर अब क्या लें, हमारा छूट गया, सुबह हमने पुट में लॉस कर लिया, अब क्या करें। उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप और ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करेंगे। मैंने अपना एक बहुत बड़ा लॉस बताया था, वो ऐसे ही हुआ था, ओवर ट्रेडिंग, मार्केट से लड़ते रहना। आप सही हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट कितना खा पाओगे वो मार्केट की मर्जी है, बट बड़े की सोचो। गलत हो तो छोटे से एक डिफाइंड वेल डिफाइंड लॉस में निकल जाओ, इतना ही सिंपल है ट्रेडिंग। गलत हो गए, मार्केट आपने सोचा था गिरेगा, मार्केट चढ़ गया, निकल जाओ, खत्म, कल फिर से अपॉर्चुनिटी आएगी। और गलत क्यों हुए, क्या एनालिसिस में गलती थी, कोई सिली मिस्टेक थी, कोई इमोशनली ट्रेड कर रहे थे, सेटअप नहीं था, जो भी गलती थी उसको सुधारते चले जाओ तो यू विल बी अ ट्रेडर वन डे। अब बात करें कल की, देखो मैंने कल के लिए तैयारी आज ही अपने अकाउंट में कर लिया, मैंने कुछ पोजीशंस आज ही ले लिया। मैं बताता हूँ कैसे, कल की बात करते हैं अभी चार्ट पे चल के, कल आप फ्रेश क्या कर सकते हो। बट जब मार्केट इस तरह का मूवमेंट देती है इतना बड़ा, तो होता क्या है कि कॉल के प्राइसेस जो लेट से कोई फार आउट ऑफ द मनी कॉल है जिसका रेट 10 रुपए 5 रुपए चलना चाहिए, वो भी कुछ देर के लिए 15 चले जाते हैं, 5 वाला प्राइस 10-12 पे चलता है, 10 रुपए की कॉल 22-23 पे मिलती है, 30 रुपए की जो कॉल जनरली चला करती है ऐसे मूवमेंट के बाद, क्योंकि सबको कॉल लेनी है, मार्केट में एक माहौल बन गया है, वो 30 की कॉल थोड़ी देर के लिए 48-50 ऐसे रेट पे मिल जाते हैं, स्पाइक्स आते हैं कॉल के प्राइसेस में शॉर्ट कवरिंग के कारण बेसिकली। तो उन कॉल्स को उस टाइम पे अगर आप शॉर्ट कर पाओगे, सेटअप हो, मैं करता हूं, तो वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैंने आज बहुत दूर के, मतलब जो रेट नहीं आने वाला कल, उसके कॉल्स लगभग मुझे 38-39 ऐसे प्राइस पे मिल रहे थे, मैंने बेचे जब मार्केट हाईस पे थी, वहां से ऑलरेडी उनमें 22-23 रुपए का प्राइस आ गया। तो मैंने वहां पे मतलब एक ऐसी पोजीशन बनाई जब सारे लोग अब सोच रहे थे अब गाड़ी छूट गई, अब क्या लें, अब क्या लें। वहां पे एक ट्रेडर क्या कर रहा है सोचो, जिसने सुबह लिया वो प्रॉफिट बुक करके दूसरे साइड पे बैठ रहा है। जब मैंने शॉर्ट किया मार्केट में कॉल्स को, तो मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा हूं, इसलिए मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पुट नहीं बाय कर रहा हूं। पर यहाँ पे लॉजिक्स थे, यहाँ पे
विक्स वापस थोड़ा राइज कर रहा था, मार्केट मूविंग एवरेज से बहुत दूर थी, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग मैंने करी तो और भी लोग करेंगे मैं समझता हूँ, तो उस कारण से मार्केट गिरेगी। पीसीआर बैंक निफ्टी का 1.6 के आसपास आ गया था, जो सुबह जब मार्केट खुली थी तो 0.9 था, तो हम ओवरसोल्ड से ओवरबॉट चले गए कुछ घंटों में, तो ओवरऑल हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, डाउन ट्रेंड में ये एक बाउंस बैक है। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, बट पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे लॉजिकली ट्रेड करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पे, कल की बात करते हैं, कल भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और क्योंकि आज मार्केट ट्रेंडिंग कर गई है ऊपर की तरफ, तो अगर कल मार्केट लेट से और ऊपर जाती है तो फिर डाउन साइड पे शॉर्ट करने के लिए आपको बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। बट सजेशन रहेगा कि अगले वीक के ऑप्शन में कीजिएगा, अगर आप ऑप्शन बायर हो, सेलर हो तो सेम डे के ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो सेम डे पे जीरो होंगे। दूसरी बात, अगर मार्केट चलिए चार्ट पे चल के बात करते हैं, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, डेली हम वीडियोस में बात करते हैं अगले दिन की मार्केट की, कल का वीडियो जाके सुनिए, वर्ड टू वर्ड जो बोला वैसा ही हुआ होगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा वैसा होगा, बट आज हुआ तो बता रहा हूँ, और आज मेरा प्रॉफिट जो हुआ अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हो मेरा आज का प्रॉफिट एक काफी अच्छा प्रॉफिट रहा, 7 डिजिट का हो सकता था, मगर जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा जितना मार्केट दे, मैं तो आज 50-60 हजार रुपए के लिए खेल रहा था, सुबह मार्केट साइडवेज लग रहा था, बट जैसा हमने कल डिस्कस किया था वीडियो में, मार्केट ने एक्जैक्टली वैसा ही किया। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर है, कल यही बोला था 500 पॉइंट की तेजी आ सकती है, टारगेट सारे हिट हो गए, और निफ्टी थोड़ा सब्ड्यूड रहेगा, आपको बोला था अगर बाय करूंगा तो बैंक निफ्टी करूंगा और शॉर्ट करूंगा तो निफ्टी या मिड कैप निफ्टी में करूंगा, तो आज बिल्कुल अच्छे से मार्केट ने बिहेवियर दिखाया, तो प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों मिली तो यहाँ पे एक सक्सेस मिली। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कल क्या हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं आपको डिस्कस करने से पहले आज का अगर थोड़ा सा एक्शन दिखाऊं, देखिए मेरा एक स्कैल्पिंग का सेटअप है जो मैंने अपने मोबाइल ऐप में कुछ दिन पहले एक कोर्स निकाला था, उसमें पूरा डिटेल में सिखाया था एज इट इज, जो अभी आपको दिखाऊंगा मैं, तो अगर आप लोग मेरे को कुछ सीखना चाहते हो मेरे से, अगर आप मेरा कोई कोर्स लेना चाहते हो, तो बाकी सारे कोर्सेज अभी मेरे जो हैं मैंने हटा दिए हुए हैं, सिर्फ एक स्कैल्पिंग वाला सेटअप चल रहा है और एक 1 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, दोनों मोबाइल ऐप से जाके ले सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था हमारा मोबाइल ऐप का जो मैंने सिखा रखा है सेटअप स्कैल्पिंग का, ये जितने भी एरोज हैं ये सब बाय के एरियाज हैं, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, इधर आप बाय कर सकते हो, बाय कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये सेलिंग एरिया है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोलूंगा कि जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बनाया है, बट मैंने ये सब चीजें यूट्यूब पर भी सिखा रखी है फ्री में, बट वहां पर आप एक सिस्टमेटिकली एक काफी एक अफोर्डेबल प्राइस में सीख सकते हो। तो अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है और आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो इस कोर्स को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा मोबाइल ऐप से। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए आज एक ऊपर का मूवमेंट आना था, आ गया, अभी लॉजिकली सोचना जरूरी है। देखिए हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर जो बाउंसेस आते हैं वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है, तो यहाँ पे हो सकता है सेलर सेल करने का ट्राई करें। ये 61% रिट्रेसमेंट लेवल जो था इसका, इस अगर मैं इस हाई से लेकर इस लो को फिबोनाची से ड्रॉ करूँ, बिल्कुल वहीं तक गया है, यही टारगेट बनता था 44,500 का। अभी इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करे, इसके ऊपर कोई पॉज कैंडल बनाए, कोई डोजी बनाए, कोई हॉल्ट ले और फिर उसका हाई ब्रेक करे, तो फिर अब हमें 700-750 इस एरिया में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ना कि इधर ये 500, 550, 600, ये जो एरिया ये ट्रैपिंग जोन हो सकता है। तो यहाँ पे एक तो अभी वर्ल्ड मार्केट्स में कुछ इतना ज़्यादा नहीं सुधरा है, वर्ल्ड मार्केट्स हमें देखनी जरूरी है, और दूसरा डॉलर इंडेक्स भी अभी भी ऊपर ही चल रहा है, तो यहाँ पे मार्केट जो मेरे लिए रेजिस्टेंस पे आ गई है, ठीक है, एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन थी वाई बिकॉज ऑफ द डब्ल्यू पैटर्न, कल हमने डिस्कस किया था, वो आ गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई है। अभी इधर अब हम कल इसको जज करेंगे, अगर यहाँ से कल एक मार्केट में लेट से रिवर्सल आता है तो ये पूरा का पूरा कैंडल हम वापस पलटते हुए देखेंगे, एंड देन आने वाले दिनों में ब्रेकडाउन भी देखेंगे। जनरली यही होता है लिक्विडिटी हंटिंग, एक रेंज बनी, उसको ब्रेकआउट किया, लोगों ने बाय किया, एंड अगर ये पलट जाता है, ब्रेकआउट फेलियर होता है, तो फिर ये नीचे ब्रेकडाउन करेगा और नीचे के टारगेट्स खोल देगा, जो कि 43,000 तक के भी हो सकते हैं, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस, अगर ये ब्रेकआउट है तो बड़े कैंडल के बाद, मैंने अपने चैनल पर हमेशा सिखाया कि एक छोटा कैंडल बनता है, तो कल हम एक छोटा कैंडल के लिए प्ले करेंगे, वो हम कैसे करेंगे अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाऊंगा। तो या तो यहाँ पे कल एक छोटा कैंडल बनेगा, यानी बायर्स की अपॉर्चुनिटी आज थी तो हो सकता है कल एक सेलर्स को अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर ये रिवर्सल करेगा, रिवर्सल करेगा तो ऑप्शन बायर्स के लिए अगेन मौका है, जैसे आज मौका था रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट पे बाइंग करने का, कल भी आपको ऑप्शन बाइंग का मौका मिलेगा अगर आप ऑप्शन बायर हो। अगर साइडवेज या छोटे कैंडल बनाता है तो ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एंड स्कैल्पिंग तो हर मार्केट में हर वक्त कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे 40-50-60 पॉइंट के लिए खेल रहे हो बैंक निफ्टी जैसे काउंटर में, तो वो मिलते रहते हैं। निफ्टी की बात करें तो देखो निफ्टी को देखे कॉन्फिडेंस अभी भी इतना नहीं आता है, बट अगर मार्केट ने ब्रेकआउट करा ही है जनरली तो कल निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। जो निफ्टी आप देखोगे कुछ खास तेज नहीं था, जबकि बैंक निफ्टी 1% ऊपर था, तो जो गैप रह गया दोनों के बीच में निफ्टी कल पूरा कर सकता है, तो कल निफ्टी के लिए एक अच्छा बाइंग का दिन हो सकता है, वहीं पर बैंक निफ्टी थोड़ा सब्ड्यूड रह सकता है। तो अगर बाइंग का मोमेंटम बनेगा भी तो हम 500 के लेवल के ऊपर निकलने पे निफ्टी को बाय करेंगे, ना कि बैंक निफ्टी को, ज्यादा फोकस करेंगे निफ्टी पे, और टारगेट लेंगे 550 से लेके 600 प्लस के, 600 तक के टारगेट हम ले सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में कल एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है अगर निफ्टी अच्छे एरिया में हमें बाइंग के लिए मौका देगा, तो अगेन बड़ा गैप अप खुल गया
तो फिर वहां पे दिक्कत है। बट अगर ये लेट से फ्लैट ही खुलते हैं मार्केट, या हल्का सा गैप अप खुलते हैं, हल्का सा गैप अप खुलना ज्यादा अच्छा रहेगा, छोटा मोटा गैप अप खुल जाए, बाइंग के फेवर में खुले मार्केट, यानी जो आज माहौल है वो कल कैरी हो रहा है, सुबह मार्केट पॉजिटिव खुल रही है, तो वहां पे फिर हम एक यू नो ऊपर का मोमेंटम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे चल के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे चीजों को। देखिए दोस्तों, कल काफी सारे लोगों का कमेंट था कि एक तो मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी आप बोल रहे थे, हाँ मुझे मालूम नहीं था, मैं रेगुलरली ट्रेड नहीं करता, सिर्फ एक्सपायरी के दिन कभी कभी मिड कैप को ट्रेड करता हूँ, तो ये वीक से मिड कैप की एक्सपायरी मंडे को शिफ्ट हो गई है, उसके लिए माफी चाहूंगा। दूसरा, कल कुछ लोग कह रहे थे कि आपने स्टॉक्स नहीं दिए, तो मेरा एक दूसरा मैंने नया चैनल बनाया हुआ है ट्रेड टॉक्स इंडिया के नाम से, उसका लिंक इसके एंड में आ जाएगा, उसमें मैंने स्टॉक्स वाला वीडियो डाला था, तो तीन स्टॉक्स मैंने दिए थे इनफैक्ट, और तीनों ने आज जबरदस्त, एक 4% ऊपर था, एक 2% ऊपर था, एक मारुति था, एक फेडरल बैंक था, और एक तीसरा स्टॉक था, उसने भी जैसे बोला वैसे ही किया, तो आप वो वीडियो चेकआउट कीजिएगा, और आज के भी स्टॉक्स वाला वीडियो वहीं पे आएगा। अभी यहाँ पे देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे चल के बैंक निफ्टी को पहले डिस्कस करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो ऑप्शन चेन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत रहेगा। सबसे पहले ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूँ कि ऑप्शन चेन क्या कहती है, क्योंकि पोजिशन कहाँ पे बनी है देखना जरूरी है। देखिए हाईएस्ट पोजिशन है 500 के लेवल पे, 500 पे आज रेजिस्टेंस दिखाया है, और सेकंड हाईएस्ट है 600 पे, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ 500 और 600 में फंसने का जोन है। अगर आप बाइंग करते हैं, अभी आपने नीचे से 400-500 पॉइंट मिस कर दिए, और टॉप पे जहां पे लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहां पे बाइंग करेंगे तो फंस सकते हैं। तो पहली बात, 500 और 600 वाले जोन में बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बाइंग करनी भी है बैंक निफ्टी की तो 600 के ऊपर करेंगे, 600 का लेवल पार होना जरूरी है। अगेन आज तेजी में बंद हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे लेट से 15 मिनट के या 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं चीजों को। देखिए यहाँ पे अगर आप लेट से कल गैप अप हो जाता है, ठीक है, आज इतनी बड़ी तेजी हुई है, अब कल अगर लेट से ये गैप अप खुल जाता है, तो होगा क्या कि खुलते के साथ काफी सारे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, काफी सारे लोग जो है फ्रेश शॉर्ट्स भी करते हैं। एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि अभी अगर यहाँ खुल गया तो ये तो अंडरस्टूड है कि भाई कल ये 800 या 900 या 45,000 एक दिन में 600 पॉइंट और नहीं बढ़ जाएगा आज 500-600 पॉइंट बढ़ने के बाद, तो ये कॉल्स का प्राइस भी 20-25 रुपए मिल रहा होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि मैंने भी कॉल्स शॉर्ट कर दी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने जो कॉल लेट से 25 पे बेची थी वो 14 के आसपास बंद हो रही है, तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी देखिए लोग शॉर्ट करते हैं, बायर्स फ्रेश आएंगे नहीं, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, सेलिंग की मार्केट बन सकती है, फिर ये इधर ये जो आज की क्लोजिंग हुई है इसके थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे यहाँ कहीं पे संभल के बाउंस ले सकता है, बीच में कहीं पे बंद कर सकता है, यानी एक छोटा कैंडल जो हम चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है वहां से सेलिंग भी आ जाए थोड़ी सी। तो एक तो गैप अप में तो अवॉइड कीजिएगा, बड़े गैप अप की मैं बात कर रहा हूँ, छोटा मोटा गैप अप हो जाए वो बहुत अच्छा, जैसा कि बैंक निफ्टी खुल ही जाए 500 के ऊपर, 500 के ऊपर खुल गया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुल गया, बड़ा गैप अप भी नहीं हुआ और ठीक ठाक एक गैप अप हो गया, उसमें होगा क्या कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, 500 वाला कॉल राइटर भी भागेगा, और एक 600-615-20 तक का स्पाइक मिल सकता है। हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कल, कल हम 80-90 पॉइंट्स एक्सपेक्ट करेंगे, अगेन मार्केट की मर्जी है, आप ट्रेल कीजिए अगर आपको आता है तो, उसके बाद मार्केट हो सकता है आपको 100 पॉइंट और दे दे, बट वो मार्केट की मर्जी है, हमारा फर्स्ट प्राइमरी जो है वो इतना होना चाहिए। तो मैं भी आपको ये बोलूंगा कि कल आप इस तरह से प्लान आउट कीजिएगा, बट 600-620 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा। फ्रेश बाइंग अब हम करेंगे बैंक निफ्टी जैसे काउंटर में, जब ये 600 के ऊपर सस्टेन करेगा, जो कि आई एम श्योर एक आध दिन का पॉज लेकर ही होगा, तो इतना कोई अभी फॉर्मों में मत आइएगा। निफ्टी की बात करूं तो देखो निफ्टी में तो कुछ खास हुआ ही नहीं, आज तेजी हुई नहीं है कोई भी खास, और निफ्टी अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, उसी में अभी भी वहीं पे बंद हो रहा है। अभी निफ्टी अगर गैप अप खुलता है, 460 का लेवल है, 460-465 ये एरिया जहाँ पे आज अटका था, इसके ऊपर निकलते ही बाय करेंगे, 500 का टारगेट नंबर 1 भी ले सकते हैं, वैसे आपको मैं बोल रहा था कि 500 के ऊपर बाय करेंगे, बट अगेन अगर आपको 460-65-70 पे सस्टेनेंस मिलती है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा सा हो जाएगा 25 पॉइंट का, आप बाय कीजिए, 500 का टारगेट लीजिए पहला, और कोशिश कीजिएंगे कि भाई इसको होल्ड करेंगे, 550-560 तक निफ्टी जा सकता है, निफ्टी में जगह है तो निफ्टी में अच्छा मूव मिल सकता है, तो कल निफ्टी पे फोकस शिफ्ट कर देंगे बैंक निफ्टी की जगह, ठीक है। अभी अगेन देखिए अगर गैप डाउन खुल जाते हैं, लेट से निफ्टी खुल जाता है, ये जो स्विंग लोग दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इधर मार्केट ने एक होल्ड लिया था, फिर यहाँ से मार्केट का एक अच्छा मूव आया, निफ्टी लेट से गैप डाउन खुल जाता है 400 से लेके 410 के बीच में यहाँ पे या और ज्यादा नीचे, तो ये खुलते के साथ सेलिंग का कैंडिडेट है, निफ्टी में आज भी स्ट्रेंथ नहीं, तो फिर हम यहाँ पे इसको सेलिंग करेंगे। हमारा टारगेट मिनिमम से मिनिमम रहेगा एनीवेयर बिलो दिस 370 लेवल, यानी अगर हम लेट से 400 के आसपास शॉर्ट कर रहे हैं तो 50 पॉइंट आने के बाद हम ट्रेलिंग में डाल देंगे, डाउन मूव हमेशा फास्ट फ्यूरीज होते हैं, हो सकता है थोड़ा और नीचे निकल जाए, बट हम इसको यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। उसी तरह अगर निफ्टी में सेलिंग का मौका है तो बैंक निफ्टी में भी बनेगा। बैंक निफ्टी के लिए सेलिंग जोन जो है या सपोर्ट जोन जो है, देखिए 200 के लेवल पे ब्रेकआउट आया, किसी कारण से लेट से किसी भी कारण से ये बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 250 के आसपास, तो इस लेवल को ये सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है, और हो सकता है बीच में कहीं पे ऊपर वापस रिकवर करके बंद करे, वहां पे आप सेलिंग नहीं कर सकते। आपको सेलिंग करनी है तो एक तो बड़े गैप अप के केस में कर सकते हो बैंक निफ्टी में, या फिर ये यहाँ खुले नीचे आए टाइम पास करे, देन 11 बजे के आसपास एक सडनली कोई स्पाइक से इसको तोड़ दे, यानी ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर जो निकला था पूरा का पूरा फेल हो गया, तो यहाँ पे कहीं पे आपको सेलिंग करनी है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी में अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो थोड़ा वेट करो, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है इसने, वहीं पे निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता तो सीधा सेलिंग में है, तो कल निफ्टी में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बाइंग में भी और सेलिंग में भी। बैंक निफ्टी अगेन जैसा कि मैंने बोला
इस एरिया में खुले कहीं पे 500 510 थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए तो एक झटका हम इसमें ले सकते हैं 600 610 तक का, वो आप अगर बैंक निफ्टी में काम करते तो सुबह कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का दोस्तों ओवरऑल व्यू है। यहाँ पे दो तीन चीजें और देखेंगे, डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो देखिए डॉलर इंडेक्स जो है थोड़ा सा अभी भी एक अच्छा चार्ट बना रहा है, अभी भी कोई वीकनेस नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट पिछले जो इसके दो तीन दिनों की रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर ये भी निकला है, तो ये भी ऊपर जा रहा है और हमारी मार्केट भी ऊपर जा रही है, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती, तो दोनों में से एक फेक आउट है। इसीलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आज तो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो गया, तो कोई रीजन नहीं है मेरे पास कि मैं बहुत अग्रेसिव हो जाऊँ कल। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि अगर डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ सही है, जेन्युइन है, तो हमारी मार्केट जो है कल इस ब्रेकआउट को फेल करके पूरा रिवर्स कर जाए, ये भी पॉसिबल है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी हम डाउन ट्रेंड मार्केट में बाउंस ले रहे हैं, सेलर्स अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। यहाँ पे देखिए मिड कैप निफ्टी की हम बात करें तो जैसा कि हमने बात किया था कि कल एक ब्रेकआउट आया, चाहे आज एक्सपायरी नहीं थी मगर जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा तो ये ब्रेकआउट देखा था कल हमने, आज उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैश की मार्केट के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं अभी भी, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। अगर आप कभी भी डिसीजन लेना चाहते हैं बाय करना है सेल करना है, दो तीन चीजें देखा कीजिए, विक्स क्या कर रहा है, कैश की मार्केट कैसी कर रही है, यही गाइडेंस मैं आज अपने फ्री टेलीग्राम पे भी सुबह दे रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात हो रहा है कि फ्री टेलीग्राम मेरे बहुत सारे कॉपी बने हुए हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, या तो वीडियो के नीचे लिंक से ही ज्वाइन किया कीजिए या फिर सर्च कीजिए पूरा मैं जो मैं बोल रहा हूँ उदय मेहरा स्पेस लेके 7801886205, फिर जो ग्रुप आएगा जो मैंने फोटो में भी दिखा रखा है उसी को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सब फेक हैं, आपको कोई होप देगा कि भाई हम PMS करते हैं 25,000 में 50,000 में पैसा डबल कर देंगे लॉस रिकवर करा देंगे, सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैं इस तरह का कुछ भी नहीं करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवरऑल हमने बात कर ली मार्केट्स की, तो कल के लिए हमारा यही व्यू है कि कल मार्केट या तो सबड्यूड तेजी के साथ रहेगी जिसमें हम निफ्टी में फोकस करेंगे पहला, दूसरा अगर मार्केट में ये गैप डाउन खुल जाता है बड़ा किसी भी कारण से तो हम शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी को भी बैंक निफ्टी को भी बिलो सर्टेन गिवन लेवल्स, तीसरा अगर ये छोटा मोटा गैप अप खुलता है तो बैंक निफ्टी में सुबह एक इनिशियल ब्रेकआउट मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं, बहुत लंबा नहीं करेंगे, ये फिबोनाची का रेजिस्टेंस लेवल भी है, ये राउंड लेवल भी है, हाईएस्ट ओआई लेवल्स भी हैं, तो इस तरह का चीजों का आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हरे कृष्णा। स्टॉक्स के लिए जो मेरा नया चैनल है वहां पे वीडियो आता है शाम को, उसको देखिएगा, कल वाले स्टॉक्स भी सुनिएगा क्या बोला था, उनका चार्ट देखिएगा आज उन्होंने कैसा किया, और उम्मीद करूंगा कि जो आज स्टॉक्स दूंगा आपको वो भी कल बहुत ही अच्छा करेंगे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है, बाय।